दादी परेशान मत हो, मैं इसीलिए आया हूं। शेरी आपका बेटा ये जो कुछ भी हुआ उसमें लाइबा और दादी का कोई कसूर नहीं, बल्कि कसूर तो मेरी किस्मत का है। हाँ मैं दादी का पोता हूं, और लाइबा मेरी कजन है। मैं शुरू से ही लंदन में रहा। चंद साल पहले जब लाइबा और दादी के घर आया, घर एक ऐसा घर जहां जहां खुशियां ही खुशियां थी, प्यार ही प्यार, रिश्ते मोहब्बतें, उन रिश्तों ने मुझे ऐसा बांधा। उन रिश्तों और मोहब्बतों ने मुझे ऐसा बांधा कि मैं उस घर का ही होकर रह गया। शुरू शुरू में लाइबा मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन लाइबा तो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। आशीष की कितना प्यार करता था लाइबा से, आशिर और लाइबा की शादी हुई। मैंने किसी ना किसी तरह अपने दिल को समझा लिया, लेकिन लाइबा मेरे दिल से निकल ना सकी। लाइबा दादी के घर से तो चली गई, लेकिन लाइबा की खुशबू उस घर से ना जा पाई। और फिर ना जाने क्या हुआ, उस घर को किसकी नजर लगी कि वो घर घर ना रहा। गमों के बादल उस घर पे मंडलाने लगे। अप्रैल में बादलों में ऐसी बिजली चमकी कि उस घर में हमेशा के लिए अंधेरा कर दे। पैरा के बाबा और आशीष आ
अभी इम्तिहान की घड़ियां खत्म नहीं हुई थी। लाइबा, लाइबा प्रेग्नेंट थी और ये बात आशिर और लाइबा के अलावा कोई नहीं जानता था। और जब यह हकीकत सबके सामने खुली तो मैंने और दादी ने उसका एतबार किया, और किसी ने नहीं। उसके सगे भाई ने उसे हकीम नजरों से देखना शुरू कर दिया। और उसे इमोशन जैसे घटिया काम के लिए मजबूर करने लगा। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा कि अगर उसे बच्चे को रखना है तो उसे मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे। लेकिन लाइबा ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को सिर्फ आशिर का नाम देना चाहती थी, सिर्फ आशिर का। मुझे लगा है मेरी वजह से लाइबा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स पाए, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने एक फैसला किया, और मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। सिर्फ इसलिए ये सोच के कि शायद मेरे जाने से उस घर की खुशियां वापस आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। लाइबा यहां कैसे आई, वो यहां कैसे आई है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मिला तक कैसे पहुंचा, यहां कैसे आया ये जरूर बताना चाहूंगा। मैं डिप्रेशन का मरीज हो चुका था, कोई दवा कोई गोली मुझ पे असर नहीं करती थी। हम दोनों के बीच मोहब्बत का